नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, फंडामेंटल जानना चाहते हैं, टेक्निकल जानना चाहते हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300-1634। इसके अलावा आप 0222300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की हॉट कमोडिटी की, और आज की हॉट कमोडिटी है ग्वार। ग्वार में अच्छी तेजी आई है और ग्वार सीड का वायदा 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। ग्वार गम 4% से ज़्यादा बढ़ा है, अच्छी तेज़ी आई है और 5,000 के ऊपर ग्वार सीड का भाव पहुंचा है। इनफैक्ट अक्टूबर का वायदा 5100 के भी ऊपर पहुंचा था दिन के कारोबार में। अब सवाल ये है कि क्या ये तेज़ी टिकेगी, अभी ताज़ा हालात क्या हैं, इस पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं मनोज जाजू, जो कि ग्वार के एक्सपर्ट हैं, ट्रेडर हैं, और साथ ही हमारे साथ श्रीपाल शर्मा हैं, जो कि ग्वार के किसान हैं और सीधे हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे इस पर, खेतों में फसल का हाल है क्या। तो पहला सवाल शर्मा जी आपसे ही, आप चूंकि ग्वार की खेती करते हैं, आप बताइए सर, आपकी फसल इस वक्त कैसी है? हेलो जी, जी बोले शर्मा जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। मैं आप, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ बिल्कुल कम आ रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ श्रीपाल जी, कि अभी खेतों में ग्वार की फसल का सिचुएशन क्या है, कैसी फसल है? देखिए सर, अभी जो नहरी बेल्ट के खेत हैं वहाँ पर तो ग्वार की फसल पकाव की तरफ है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा बेल्ट, यहाँ पे फसल पककर के तैयार हो गई है, 10-15 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तो फसल जैसी भी है, मैं मानता हूँ कि पिछले साल के जैसी फसल इस एरिया में है और पिछले साल जैसी यहाँ पे बिजाई हुई है। तो पिछले साल जो उत्पादन हुआ था वही उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा में इस साल हम मान रहे हैं। अब दूसरा पार्ट जो रह गया वो बरानी का, जो केवल बरसात पर डिपेंड था और बरसातें भी इस साल बहुत अच्छी हुई। तो पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, ये जो बेल्ट है यहाँ पे ग्वार जो है वो बारिश का इंतजार कर रहा है और अच्छी बारिश होने से ही ग्वार की अच्छी पैदावार संभव है। तो जाएगी तो पैदावार अच्छी होगी? हाँ, अच्छी फसल, अच्छी बारिश अगर आती है तो ही पैदावार अच्छी होगी। नहीं, कब तक, मतलब मान लीजिए अभी 10 दिन में हो जाए तो ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये ऐसा है सर कि सितंबर का महीना जैसे ही शुरू हुआ तापमान बढ़ने लगा, बरसातें बंद हो चुकी थी। पहले जो बरसातें हुई, हालांकि उस समय में इतनी बरसातों की आवश्यकता नहीं थी। अभी सितंबर में क्या है कि ग्वार पकाव पे होता है, फलियां भी उसमें साथ साथ लेता है, तो यहाँ पे बारिश की आवश्यकता ज्यादा रहती है। तो सितंबर महीने के शुरुआत से ही एरिया के हिसाब से नुकसान शुरू हो चुका है ग्वार में और वो लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बरसात आने से कोई इसमें फायदा नहीं होगा, फायदा जरूर होगा, लेकिन धीरे 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 ये नुकसान जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। मनोज जाजू भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपका असेसमेंट क्या है, क्या सिचुएशन है क्रॉप का और इस वक्त डिमांड सप्लाई के हालात कैसे हैं, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है? देखें, अब 15-20 रोज से थोड़ा सा डिमांड वापस लो है और इससे पहले 3 महीने डिमांड अच्छा चला लगातार। और रही बात सप्लाई की, तो नया सीजन आने को था तो स्टॉक में काफी था माल, तो लोगों ने इस साल रिलीज भी किया काफी माल। तो नया साल 1 अक्टूबर से नया सेशन शुरू होने वाला है ग्वार का और अब लगभग पूर्ति हो चुकी है पूरे साल की। रही बात अब मौसम की और ग्वार की फसल पे चर्चा करते हैं, तो सितंबर में इस साल सबसे बड़ी बुआई और सबसे अच्छी क्रॉप कंडीशन वो है पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान में अभी पिछले पंद्रह रोज से बारिश नहीं है, बारिश की वहाँ जरूरत महसूस हो रही है। एट प्रेजेंट 2-5% के लॉस को छोड़ दें
तो क्रॉप की कंडीशन काफी अच्छी है और पिछले कई सालों से इस वर्ष बिजाई और क्रॉप फसल की स्थिति बहुत अच्छी है, काफी अच्छी। अगर इसको 10-15 रोज में 20-25 सितंबर तक भी बारिश मिल जाती है तो पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत बड़ी क्रॉप देखने को मिलेगी। रही बात नहरी बेल्ट की, गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा, हरियाणा की क्रॉप इस साल काफी कमजोर है। ज्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ फसल में हो सकता है 30-40% लास्ट ईयर से वो कम आएगी। गंगानगर हनुमानगढ़ जिला पिछले साल से बेहतर रहेगा, ये सीन है क्रॉप का। ये सीन है तो फिर आज मार्केट बढ़ क्यों गया? मतलब आप जब कह रहे हैं क्रॉप बहुत अच्छी है जी, तो आज की तेजी के पीछे की वजह क्या मानी जाए? इसकी मुख्य वजह रही है 7-8 तारीख को, आज से 3-4 रोज पहले 7-8 तारीख को मौसम दिखा रहा था पश्चिमी राजस्थान में, और वो मौसम अब 12-13 से दिखा रहा है। तो 7-8 वाला तो एक बार जो है मौसम खत्म हो गया, तो उस वजह से मार्केट में अब लोगों को ये उम्मीद है भी ये मौसम पिट गया, 12-13 से भी आएगा या नहीं आएगा। अब मौसम का काम तो ऐसा ही है, जब बरस जाए तब तो अगर आ जाएगा 12-13 को अगर बारिश हो जाएगी तो क्या एक फिर शार्प करेक्शन हम देखेंगे मनोज जी? यस यस, 4500 से 5000 के बीच में ग्वार अगर बारिश हो जाती है तो मेरे हिसाब से ये ग्वार 4500 से 5000 और गम 85 से लेके 100 के बीच में चलता रहेगा। इन केस बारिश नहीं होती है तो फिर ये गम 125-30 के भाव में भी जा सकता है और ग्वार भी 6000 तक जा सकता है। क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे अगर बारिश नहीं होगी। राइट राइट। श्रीपाल जी, अब आप बताएं सर, चूंकि आप खेती करते हैं, आप बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर बारिश नहीं होती है, अगर हम ये मानकर चलें अभी फिलहाल, तो क्या फिर क्रॉप कितनी होगी? मतलब बारिश अगर नहीं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बारिश नहीं भी होगी तब भी नुकसान होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, और फिर भी 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ बोरी के आसपास का उत्पादन हो जाएगा अगर बारिश नहीं भी होती है तो। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या इससे? सर ऐसा है कि बारिश होने से या नहीं होने से आकलन जो फसल का है वो हर आदमी का अपने अपने नजरिए का अपने अपने हिसाब से होता है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि जो आज से 5-10 दिन 15 दिन पहले जब बारिश हो रही थी और बिजाई के मुताबिक जिस उत्पादन का हम आकलन लगा रहे थे उसमें से 50% ही हो पाएगा। 50% हो पाएगा अगर बारिश बिल्कुल नहीं होती है सितंबर में। तो जो आकलन हम हरी फसल को बरसातों में देख के लगा रहे थे उसका 50% ही हो पाएगा। तो मतलब 50% आपका कितना है, आपका 50% कितना है सर? जी जी जी, जैसे अच्छी बरसातों से हम ग्वार की फसल को 1.5 करोड़ बोरी तक मान रहे थे तो वो 75 लाख तक सिमट जाएगी। अच्छा, तो आप करेंगे अगर सितंबर में बारिश नहीं होती है तो 75 लाख बोरी तक आकर के उत्पादन सिमट जाएगा। ये तो देखना होगा कि आगे बारिश की चाल क्या है, फिर आपको ग्वार की चाल भी आगे उसी आधार पर बदलती हुई दिखेगी। शुक्रिया श्रीपाल जी आपका और मनोज जी आपका जुड़ने के लिए ग्वार पर डिटेल में बात करने के लिए। लेकिन अनुज जी, टेक्निकल चार्ट पर आपको ग्वार का मार्केट कल के लिए कैसा दिख रहा है, कैसा ट्रेड लेना चाहिए? मिथुन जी गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट वीक में हमने टारगेट दिया था कि 5100 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, तो वो टारगेट आज ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट पे 3-4 दिन पहले ही इंडिकेशन आ गया था जहाँ पर हमने एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखा था, तो उसी वॉल्यूम की वजह से हमने आज यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। तो टेक्निकल चार्ट पे ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, हमें लगता है कि अभी प्राइसेस में कुछ और तेजी देखने को मिल सकती है। इनिशियली हमें लगता है कि 5100 तक के लेवल आपको, अगेन 5100 से लेकर 5200 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं ग्वार गम की अगर बात करें तो 9900 से लेकर 10000 तक के लेवल आपको नेक्स्ट देखने को मिल सकते हैं। वॉल्यूम इस काउंटर में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि अभी फिलहाल कुछ और तेजी यहाँ पर बाकी है जो कि देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है नीचे करीबन 4800 पे अब लगा सकते हैं, उसको ट्रेल कर सकते हैं, और ग्वार गम में स्टॉप लॉस करीबन 9500 का रहेगा। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड मोमेंटम ग्वार सीड ग्वार गम में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, कि आज शाम के लिए आपको सोने में और चांदी में क्या ट्रेड लेना चाहिए। इस वक्त गोल्ड का भाव 186 रुपये ऊपर है, 50700 के आसपास। एग्जैक्ट आप देखिए
कि पिछले हफ्ते वाली कहानी फिर से रिपीट हो रही है गोल्ड में। पिछले हफ्ते भी 50,693 जहाँ तक मुझे याद है ये गोल्ड का लास्ट वीक का हाई था, और वहाँ से मार्केट गिरते गिरते 50,000 के नीचे 50,000 के करीब पहुँचा, और अब मार्केट फिर से वहाँ बढ़ते बढ़ते 50,692 के लेवल पे आ गया है। माफ कीजिएगा, इसी हफ्ते 50,693 के करीब पहुँचा था, और वहाँ से गिर के 50,000 के आसपास आया, और फिर मार्केट उतना रिकवर हो चुका है जितना गिरा था। तो प्रथमेश जी, आप बताइए कि क्या गोल्ड की जो ये रैली है, आज वाली रैली, ये टिकाऊ है, खरीदना चाहिए सोना? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, मेरे ख्याल से सारे रिस्क एसेट्स में करेक्शन है, मेटल्स बोलो क्रूड बोलो, तो उस हिसाब से अगर कोरिलेट किया जाए तो गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम बनना चाहिए, और मेरे ख्याल से 51,000 का पॉसिबल नेक्स्ट मोमेंटम दिख सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड परस्पेक्टिव से करना है इसको, तो 50,600 के आसपास करीब यहाँ से और शाम के सेशन मिल रहा है अगर, वहाँ पे ले लेना चाहिए। 50,370 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 51,000 की रखनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। चांदी पर अनुज जी, आपका व्यू सिल्वर में क्या किया जाए? देखिए, चांदी अभी दो दिन पहले 17-18 डॉलर के नीचे थी, और आज हम देखें तो करीबन 18.5 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रही है, और MCX की अगर बात करें तो 53,000 के नीचे थी, आज करीबन 54,700 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो एक ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है टेक्निकल चार्ट्स पे, जैसे कि हम दो दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सिल्वर में देखने को मिल सकती है, तो वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर आज आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि अभी भी चांदी के अंदर और गोल्ड के अंदर एक छोटा सा मोमेंटम बाकी है। चांदी हमें लगता है कि जल्दी ही $19 को टेस्ट करेगी, और सिल्वर का प्राइस 55,500 से लेकर 56,000 तक के लेवल को छू सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मगर जो लेवल्स हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है करीबन 53,500 तक के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है 53,800 तक में। हमें लगता है कि ऊपर में 54,800-55,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि आगे अगर एक्सटेंड होती है 19,000 के ऊपर अगर लेवल चलते हैं, तो फिर जल्दी ही हमको यहाँ पे 58,000 के लेवल सिल्वर में देखने को मिलेंगे। मगर फिलहाल अभी $19 को हम टारगेट कर रहे हैं, $19 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है सक्सेसफुली, तो आगे फिर एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अब आते हैं क्रूड में, क्रूड की बात करते हैं। कल क्रूड में बहुत गिरावट आई, आज मार्केट शुरुआती दौर में थोड़ा सा संभला, उसके बाद फिर गिरावट बढ़ी और मार्केट लाल निशान में आ गया था, अब फिर से हरे निशान में लौटा है। तो प्रथमेश जी, ये ऊपर नीचे क्रूड का मार्केट हो रहा है, कल 5-6% दाम गिर गए थे, अब यहाँ से क्या क्रूड में कुछ बाइंग बनती है, या आपको लगता है कि क्रूड की रिकवरी पर भरोसा करना अभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा? आई थिंक मिथुन जी, मेरे ख्याल से ये कमोडिटी काफी वोलेटाइल है, और इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में फ्यूचर्स को नोट ट्रेड करते हुए मेरे ख्याल से ऑप्शंस में बेटर मोमेंटम है, और अगर आपको वहाँ पे रिस्क भी कम है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। मैं आउट ऑफ द मनी कॉल यहाँ पे बाय करने की सजेस्ट करूंगा, 7,000 रुपए का, 100 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 72 का, टारगेट रहेगा 165 का। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, सजेस्ट यहाँ पे करूंगा कि ऑप्शंस में आप ट्रेड करें, यहाँ पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो आप कह रहे हैं कि क्रूड फ्यूचर की जगह अगर आप ऑप्शन में जाते हैं, तो ये आपके लिए एक फायदे का ट्रेड होगा, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है दिलीप का, नांदेड़ से है हमारे साथ, पूछिए दिलीप जी। सर, मुझे सोयाबीन के बारे में पूछना था आगे के, ये अभी नए सीजन में क्या रेट रहेंगे, और जो सोपा है वो वायदे बाजार को क्यों विरोध कर रही है? ये तो सवाल, देखिए सोपा जब हमारे साथ जुड़े हैं सोपा के कोई रिप्रेजेंटेटिव, तब आप पूछेंगे तो ठीक है, लेकिन सोपा क्यों विरोध कर रहा है ये मैं आपको बता सकता हूँ। सर, इस साल और बिजवाई में सोयाबीन कम है, कॉटन की बिजवाई ज्यादा बढ़ी है हमारे इधर महाराष्ट्र में। अच्छा, और जो जुलाई महीने में जो बारिश हुई थी 120% से ज्यादा हुई थी, उससे फसल को पूरा नुकसान हुआ है। अच्छा, और जैसी होनी चाहिए थी कॉटन और सोयाबीन वैसी नहीं है। ओके, ठीक है, तो आप सर, आप तो खुद ही इतना बढ़िया डिटेल जानकारी रखते हैं सोयाबीन के बारे में, बताइए अनुज जी क्या लग रहा है अभी आपको सोयाबीन का मार्केट? और देखिए, सोयाबीन अगर हम स्पॉट में देखें तो 51-52 के आसपास चल रहा है, और ज़्यादा मंदी यहाँ से मुझे लगती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सर्वे बता रहे हैं कि क्रॉप काफ़ी कम है, कॉटन की ज़्यादा एकरेज बढ़ी है इस बार,
तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक बाउंस बैक सोयाबीन के प्राइस में आ सकता है, जो कि 5400 से लेकर 5500 तक फिजिकल मार्केट में जा सकता है। हालांकि फ्यूचर्स मार्केट में तो नहीं है, बट आप फिजिकल मार्केट के अंदर डेफिनेटली कुछ बिजाई कम होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि 5300-5400 के लेवल यहाँ पर फिजिकल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सत्यपाल का, पूछिए सत्यपाल जी, सत्यनारायण जी का, पूछिए सत्यनारायण जी। ये ग्वार पर राय चाहिए, मनोज जाजू जी का नंबर चाहिए। मनोज जाजू जी का नंबर चाहिए आपको? अच्छा, हाँ। वो उनसे पूछना पड़ेगा सर कि आपको नंबर दे। मैसूरी है, वो भी मैसूरी है। अच्छा अरे बढ़िया, फिर तो ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। ग्वार पर फिलहाल बताइए अनुज जी, क्या क्या अभी अभी आपने बताया भी था, एक बार फिर से बताएं क्या करना चाहिए अभी। देखिए टेक्निकल चार्ट पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, स्टॉप लॉस 4850 का लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि 5200 तक हो सकता है, तो 5200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये राय ग्वार के ऊपर ओवरऑल है। अच्छा मेटल में प्रथमेश जी, आज कहीं पर कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त इस प्राइस पे? आई थिंक मिथुन जी यहाँ पे मेटल सारे गिरे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। यहाँ पे एक कमोडिटी में मोमेंटम दिखता है, कॉपर में काफी अच्छा मोमेंटम है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी तो कॉपर में 643 पे बाई करने की सलाह रहेगी, 639 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 652 के लिए रहेगा। ओके ये राय आपकी है। चलिए अगला कॉलर हमारे साथ हैं, बलविंदर हैं गंगानगर से। जी बलविंदर जी पूछे। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। ग्वार सीड में हमारे श्रीपाल जी ने बताया भी बरसात आएगी या तो 1.5 करोड़ बोरी, न आएगी तो 75 लाख बोरी। सर बरसात का तो मानसून के बारे में आपके टीवी पे भी आया है, उत्तर भारत पश्चिम भारत में राजस्थान में मानसून चला गया। ये कहाँ, हमने तो नहीं चलाया, चला गया, हमने कहाँ चलाया? ये टीवी पे आया सर, टीवी पे आया होगा, टीवी बहुत है ना सर देश में, है ना। ठीक है, तो आप पता नहीं, आप देखिए ये सवाल का मंच है बलविंदर जी, ये आप जो हमारा शो है कॉलर शो है, तो मैं जो सवाल पूछते हैं आप सवाल पूछिए सर, जवाब अगर आप देंगे तो फिर आपको हम एक्सपर्ट के तौर पे जोड़ेंगे कभी। सवाल क्या है? 6000 कब होगा सर? 6000 कब होगा? हाँ ठीक है, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। बताइए अनुज जी 6000 कब होगा ग्वार? देखिए जब जब बलविंदर जी आए हैं तो उस टाइम मैं आपके शो में ही था और हम तो वहाँ पे कंटिन्यूअस पॉजिटिव ट्रेंड आते थे देते हुए आ रहे हैं। 5100 का लेवल पर हमारी मुलाकात होती है। जी जी बिल्कुल। देखिए अब जो नेक्स्ट लेवल है वो करीबन 5200 का है, 5200 अगर ब्रेक होगा तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट 5600 का रहेगा। स्टेप बाय स्टेप मुझे लगता है कि ग्वार की अगर आप चाल देखेंगे तो ये लेवल वाइज लेवल चलता है, तो अभी ये 5200 को टारगेट करेगा, 5200 के ऊपर चलेगा तो भी 5600 को करेगा और 5600 के बाद 6000 का लेवल। तो मेरे हिसाब से जो भी ग्वार के ट्रेडर हैं वो 5200-5400 और 6000 को इस लेवल्स में इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है संदीप का गाजियाबाद से, पूछिए संदीप जी। नमस्कार सर, जानना चाहता हूँ एल्युमिनियम में और कॉपर में क्या किया जाए। एल्युमिनियम और कॉपर बताइए प्रथमेश जी, ताजा भाव पर क्या किया जाए? करेक्शन हुआ है और में अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पे करंट भाव पे इसको बाय किया जा सकता है, 204 के लिए आपका स्टॉप रहेगा 197 का, और अगेन यहाँ पे मोमेंटम है 643 के आसपास काउंटर मिलता है तो वहीं पे बाय करना है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 639 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 652 के लिए रहेंगे, दोनों ही काउंटर में बाय की सलाह रहेगी। दोनों ही काउंटर में बाइंग की राय आप कह रहे हैं कि रहेगी, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अगला सवाल है ब्रजेश का राजस्थान से, पूछिए ब्रजेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर आपने अभी हम ये तो आप जो हम काफी टाइम से देख रहा हूँ, तो सर ये बता रहे हैं कि ग्वार अगर बारिश नहीं होगी, अभी एक्सपर्ट बता रहे थे, तो फिर भी ये ग्वार होगा, जबकि सर ग्वार राजस्थान में जब बारिश नहीं होगी तो फलियां भी अभी नहीं आई, सर कैसे ग्वार होगा? आपके एक्सपर्ट मनोज जहाँ बता रहे थे। नहीं नहीं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं सर? ये बता रहे थे अभी एक्सपर्ट आपके, बारिश नहीं होगी तो भी ग्वार की फसल इतनी प्रभावित नहीं होगी, सर जब भी बारिश नहीं होने से तो ये फलियां लगेगी कहाँ से सर? क्योंकि अभी तो हाइटला चल रहा है, हाल आएगा उस पर, उसके बाद ही फलियां लगेगी। नहीं नहीं वो तो सर अलग अलग राय है सबकी, वो ये कह रहे हैं कि अगर बारिश नहीं होगी तो जो क्रॉप अभी अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुकाबले कम होगी फसल, और अगर बारिश हो जाएगी तो फसल अभी अच्छी है उसको और फायदा होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो सर बाकी क्या राय रहेगी ग्वार के बारे में? ग्वार के बारे में अभी हमने बात की है, अनुज जी कह रहे हैं कि ग्वार में तेजी तो है धीरे धीरे, लेकिन डिपेंड इस बात पे करेगा कि आगे बारिश कैसी होती है। अगर
जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि 12-13 सितंबर के आसपास अगर बारिश हो जाती है तब यहाँ पर दाम कुछ और कम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉलर का रुख करते हैं और अगला सवाल है प्रमोद का जोधपुर से। पूछिए प्रमोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। ये अपने जो धनिया और हल्दी में ये थोड़ा मतलब क्या रेंज रहने वाली है? धनिया में लोअर रेंज क्या रहने वाला क्योंकि मंदी आई आज तो, और ऑल ओवर इसका क्या रहेगा अपने आगे मसालों में? बताइए बताइए अनुज जी। देखिए धनिया में करीबन 6 दिन से लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो करीबन 700-800 रुपए की गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। अभी अगर हम रेंज की बात करें तो नीचे में करीबन 10,400 धनिया में सपोर्ट रहेगा और ऊपर में करीबन 11,400 1,000 रुपीज़ की रेंज यहाँ पर रहेगी। सेलन राइस का मार्केट धनिया में होता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है कि अभी 400-500 रुपए और धनिया में जा सकते हैं। इसके साथ अगर हम जीरे की बात करें तो यहाँ पर भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। काफ़ी समय के बाद 24,800 का स्तर जीरा ने ब्रेक किया है और यहाँ पर वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि जल्दी यहाँ पर 24,000 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आ सकते हैं। इसमें सपोर्ट करीबन 24,000 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 25,000 का, तो ये रेंज यहाँ पर रह सकती है और भाव एक बार एक्सपेक्टेड है 24,000 के आ सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम टर्मरिक की बात करें जो कि थोड़ा बायस पॉजिटिव शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है जो कि करीबन नीचे में 6,800 और ऊपर में करीबन 7,600 ये रेंज रह सकती है और यहाँ पर हमें लगता है कि भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं जो कि एक बार 7,600 के लेवल को छू सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और प्रथमेश जी आपका सवालों के जवाब देने के लिए।